नमस्कार, मैं नियाज खान। क्रिकेट की दीवानगी ऐसी होती है कि लोग इसे देखने के लिए हजारों मील का सफर तय कर स्टेडियम पहुंच जाते हैं, और जब बात भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले की हो तो फिर क्या ही कहने। दोनों ही देशों के बीच मुकाबले पूरी दुनिया में लोग बैठकर देखते हैं। जो जहां होता है थम सा जाता है, ऐसा लगता है कि समय रुक सा गया हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भारत पाकिस्तान का मैच लोग मनोरंजन के लिए तो देखते ही हैं, लेकिन उसमें इमोशंस का भी तड़का होता है। दर्शकों की दीवानगी क्रिकेट के मैदान में साफ तौर पर दिखती है। हर एक छक्का पर कोई झूम रहा होता है तो कोई हर एक विकेट पर रो रहा होता है। एक स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे फहर रहे होते हैं, और क्रिकेट दो देश के लोगों को एक स्टेडियम में लाकर खड़ा कर देता है, जहां कोई सरहद नहीं होती, नफरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्यार मोहब्बत होती है। कोई हाथों में तिरंगा फहरा रहा होता है तो कोई भारतीय टीम की जर्सी पहने इतरा रहा होता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसने जर्सी तो पहनी लेकिन पाकिस्तानी जर्सी पहन ली, उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बरेली के रहने वाले संयम जायसवाल क्रिकेट की दीवानगी में संयुक्त अरब अमीरात पहुंच गए थे, लेकिन जब तक वे स्टेडियम पहुंचे काफ़ी देर हो गई थी। संयम जायसवाल ने वहां पहुंचते ही भारतीय टीम की जर्सी तलाशी, लेकिन उस समय तक सभी भारतीय जर्सियां बिक चुकी थीं, नहीं मिली। तभी उन्होंने पाकिस्तान टीम की जर्सी को बिकते देखा, उसे ही खरीद लिया और पहन भी लिया। अब यह जर्सी विवाद उनके घर तक पहुंच गया है और खूब हो हल्ला हो रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये विवाद बढ़ा कैसे। दरअसल अपने स्क्रीन पर पाकिस्तानी जर्सी पहने और हाथों में तिरंगा लिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये संयम जायसवाल की है। उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने संयम को टैग कर सवाल करने शुरू कर दिए। वहीं बरेली के कई लोगों ने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता देख परिजनों ने तत्काल संयम जायसवाल को कॉल लगाया, इस पूरे विवाद के संबंध में अपना पक्ष साफ करने को कहा। इस पर संयम जायसवाल ने इस पूरे मामले में कहा, दूसरे लोगों की तरह मैं भी भारतीय क्रिकेट टीम का बड़ा समर्थक हूं। मैंने अपने दोस्त के साथ स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की योजना बनाई। वह अमेरिका से दुबई मैच देखने आया था। स्टेडियम के बाहर बने स्टोर में जब मैंने देखा कि भारतीय टीम की जर्सी खत्म हो गई है, इस कारण मुझे पाकिस्तानी टीम की जर्सी खरीदनी पड़ी, वह वहाँ उपलब्ध थी। संयम जायसवाल ने आगे कहा, मैंने इसलिए भी पाकिस्तानी टीम की जर्सी खरीदी ताकि पाकिस्तानी दर्शकों को चिढ़ा सकूँ। मैं उनकी टीम की जर्सी पहनकर स्टेडियम में हिंदुस्तान जिंदाबाद नारे लगा रहा था। मुझे नहीं पता था कि अब मेरे लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। मैंने नादानी में इस तरह का काम किया है। संयम ने आगे कहा कि मेरे पिता हृदय रोग से पीड़ित हैं। वे कह रहे हैं कि इस टेंशन में मुझे हार्ट अटैक जैसी स्थिति बनती दिख रही है। मुझे हर कोई गद्दार और देशद्रोही कह रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक भारतीय क्रिकेट प्रेमी का मस्ती के लिए पाकिस्तानी जर्सी पहनना किस तरह महंगा पड़ गया है। वैसे आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएँ।